तो वहीं डिंपल यादव भी आजकल चुनावी मैदान में हैं और लगातार रैलियां कर रही हैं। डिंपल यादव ने आज औरैया में केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। डिंपल यादव ने कहा कि केंद्र सरकार ने लोगों को लाइन में खड़ा किया और बसपा ने हाथियों को लाइन में खड़ा किया। डिंपल ने पीएम मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वो मन की बात करते हैं पर काम की बात नहीं करते। आप लोग मौका देंगे तो एक बार फिर हम लोग आपकी सेवा जरूर करेंगे। अब भैया भाभी को तो मौका देंगे ही देंगे। एक बार तो गलती हो गई है प्रदेश से, हो गई है कि नहीं हो गई है? पूरे प्रदेश से गलती हो गई है। कह रहे हैं कि किसानों का ऋण माफ करा देंगे। हम पूछते हैं 3 साल तक कहां गायब थे जो अब आके कह रहे हैं किसानों का ऋण माफ करा देंगे। आप इतने बड़े नेता हैं, आप तो ऋण चाहते तो पहले ही साल माफ करा देते, करा देते कि नहीं? आप लोगों को फंसाने की कोशिश की जा रही है फिर से। आप लोग उनकी बातों में बिल्कुल ना आए, ये मैं आपको आज कह के जा रही हूँ। चाहे वो हमारे कोई भी किसान भाई हो, ये लोग खाली फंसाने वाली बातें करेंगे, जमीन की बात नहीं करेंगे। मन की बात तो घंटों करेंगे, काम की बात नहीं करेंगे। और क्योंकि आपके भैया का काम दिख रहा है आज, तो बौखलाहट बढ़ती जा रही है कि नहीं बढ़ती जा रही? मंचों में विरोध बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? हमने मन से काम किया है। पत्थर वाली सरकार ने क्या किया मैं पूछना चाहती हूँ। हम बताते हैं, हमारे लखनऊ में बहुत बड़े बड़े हाथी हैं। भैया ने बोला ना, हाथी बड़े बड़े हाथी लगे हैं, जो खड़े हैं खड़े हैं, जो बैठे हैं बैठे हैं। ठीक है भाई, मैं एक लाइन और जोड़ती हूँ, सारे हाथी एक लाइन से खड़े हैं। अगर आप जाके देखेंगे क्या खड़े हैं, सारे हाथी एक। तो एक सरकार ऐसी है जिसने हाथियों को लाइन पे खड़ा किया है, और एक सरकार ऐसी है जिसने हमारे समस्त प्रदेशवासियों को, पूरे देश को लाइन में खड़े करने का काम किया है। किया है कि नहीं किया? आपके सारे 500,000 रुपए के नोट ले लिए कि नहीं ले लिए? क्या आपके पैसा काला धन था? तो वही यूपी के फतेहपुर में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने चुनावी रैली के दौरान बीजेपी का जमकर मजाक उड़ाया। राहुल ने कहा, नोटबंदी एक मजाक है जिससे गरीबों को परेशानी हुई है। साथ ही राहुल ने कहा कि बीजेपी सिर्फ वादे करती है लेकिन निभाती नहीं। बीजेपी ने कहा, अच्छे दिन आएंगे, दिल वाले दुल्हनिया वाली पिक्चर दिखाई, सबने उनको वोट किया। 2.5 साल बाद पता लगा गब्बर सिंह आ गया। एक भी वायदा पूरा नहीं किया।